इनका नाम है लेला जट्टी। लेला मतलब क्या, मैं लेला बकरी का लेला हूँ? तुसी इंज लगदे जिवें कि पकौड़ा तलन लगे सड़ गया होए ना। खवातीन का भी लेने का दिल करता है जिस तरह मर्दों का करता है, बदला लेने का, बदला बदला। तुहानू तो कोई राह भी दसे ना, मतलब कि तुसी अपन नक दी सीध ते जाओ ते तुसी डिंगे डिंगे विंगे विंगे बलावे लेके उत्थे ही आ जाओगे। पक्का ये गंदा दिमाग कहाँ से आया? अस्तगफुरुल्लाह, मैं अच्छे सवाल करती हूँ, असल में देखने वालों का दिमाग गंदा है। आप खुद 18 प्लस है नहीं, ठीक है? लो आपके वीडियोस 18 प्लस वाले देखे, ये क्या बात है? ये एक टैलेंट है जो हर किसी में नहीं पाया जाता। बात ही वैसे ना, जुकते मारती अच्छी नहीं लगती। नहीं और तुहानू जुतियां मारन। मैं आपको अगर प्रपोज करूंगा तो फौरन हाँ कर देंगे? मैं फौरन हाँ करके खुदकुशी कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम। जैसे आपको पता ही होगा, आप देख रहे हैं MYK TV और इस पे मेरा प्रोग्राम है वो वाला शो। आज मेरे साथ मौजूद हैं गेस्ट बहुत ही तेज़, हरी मिर्च जैसी तेज़, और इनका नाम है, और ये होस्ट हैं और ये एंकर भी हैं, इनका नाम है लेला जट्टी। कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। कम से कम इंसान नाम तो सीख लेना, इतना कुछ लिखने का क्या फ़ायदा। लेला मतलब क्या, मैं लेला बकरी का लेला हूँ? अच्छा, आपका नाम लेला नहीं है? मेरा नाम लेला नहीं है और ना ही लैला है। एक वो था ना लैला के, अनु लैला, उनु लैला, लैला लैला, ना मैं वो लेला हूँ और ना मैं लैला हूँ। मैं हूँ लैला जट्टी। लैला जट्टी, लैला मैं लैला जट्टी। हाय हाय हाय, ठीक है, मैंने आपको पहचान लिया। मैनू ए दसो, मैनू ना पंजाबी बोलने का बड़ा शौक ही, मगर मैनू इन्नी चंगी पंजाबी आँदी नहीं जिन्नी तुहानू आँदी है। मैनू पंजाबी बोलना सिखाओगे तुसी? सब तो पहले तो मैनू ऐ दसो कि तानू इधर उधर लोकी कड़ कुड़ के सोट देने, फिर भी ऐसी दुनिया च केड़ी मखलूक है तानू फिर कोई ना कोई राख लेंदा? तुसी पंजाबी बोलना इन्ने प्यारे लगते हो, इन्नी चंगी पंजाबी कित्थों सीखी है तैनू? देखो जिस तरह तुसी ऐ खिच खिच के तुसी अपने आप नू सिखिया सिखाया, मतलब इस काबल तो है नहीं सी, पर इं करके भी ताड़ियाँ खिचा खचा चल जाएं ना, ऐदा ही मेरी टुट्टी जी पंजाबी भी चल गई है। अच्छा, मैंने ये नोट किया कि वीडियोस में आपको ना जुगते इतनी प्यारी प्यारी जुगते, नई नई जुगते आती हैं, ये कहाँ से सीखी आपने जुगते? वो मैं जो करती हूँ वो जुगते नहीं होती। वो क्या होती है? वो हकीकत होती है, एक कड़वा सच। कड़वा सच जिवें कि ताड़ा नक बहुत ही अजीब, बहुत गरीब, विंगा चिब्बा, इंज जिवें एक्सीडेंट च गड्डी नू चिब पै गए हो, या बेसन वाला नान लाया होए, yes, yes, मतलब तलन लगे बुलबुले फुट गए होन, ऐदां ते ताड़े मुँह तो खड्डे ने जिवें नान च। ऐसा होता है, होता है ना, यू बड़ा फ्लोज, मतलब तुसी इंज लगदे जिवें कि पकौड़ा तलन लगे सड़ गया होए ना, उस हिसाब नाल ताडे ने नक्शा। नहीं, वो अगर जल्दी निकाल लिया जाए फिर नहीं जलता? वो जलता तो नहीं है, पर वो नैनक्स चेंज हो जाते हैं, ए नैनक्स फर्क आ जाता है। मैंने भी नोट किया। अच्छा, मैंने एक चीज नोट किया कि ये बाल इतने अजीबोगरीब कैसे बन गए? ये एक मिनट, अजीब कह सकते हैं इनको, गरीब नहीं कहना, ये बड़े अमीर हैं। देखने में जितनी सुलझी प्यारी डिसेंट लगती हैं, जब आप बोलती हैं तो फिर थोड़ी अजीब क्यों लगती हैं? वो अजीब लोग हैं ना, जो उनको अजीब चीज़ें पसंद हैं, उनके लिए मैंने सोचा मैं क्यों ना थोड़ा अजीब हो जाऊँ, मतलब लोग मुझे टोन मारेंगे, ओ यार ये क्या जाहिल लड़की है, मतलब वह जो मैं चाह रही होती हूँ ना वैसा हो रहा है आजकल ना, लोग लानते भेज रहे थे यूँ करके ना, मैं फिर कहती हूँ कितने वेले लोग हैं मुझे ही देख रहे हैं, और इतने वेले लोग मैंने नहीं देखे ज़िंदगी में, मुझे कहते वो कोई अल्लाह अल्लाह करो, कोई अल्लाह का खौफ करो, मुझे ये बोल रहे होते हैं, मतलब कि तुम भी अल्लाह का खौफ करो, इतनी ही कोई गंदी वीडियो है अगर मेरी तो आप देख क्यों रहे हो, आपको नहीं गुनाह हो रहा क्या? और आप इतने फालतू लोग हैं, आपको तो हर जगह हर चीज़ मिलनी है, दिखनी है, आप जैसा कुछ देखोगे वैसा ही बार बार आएगा ना, आप स्किप कर दो, आपने वीडियो देखनी भी पूरी है, और फिर इतने वेले हैं कि कमेंट भी करना, और फिर कुछ गंदा सोच के वो भी लिखना, तो मेरे लिए तो सबसे अहम लोग ही यही हैं, कि सबसे ज़्यादा टाइम देने वाले तो हेटर्स हैं, तो आई लव हेटर्स। मेरे लिए इतना तैयार होकर आई हैं? नहीं नहीं नहीं,
मैं ना असल में खुद के लिए तैयार होकर आई हूँ, मतलब मैं चाह रही थी मैं प्यारी दिखूं, ऑडियंस मुझे ना पेंडा समझती है, तो मैं उन्हें बताना चाह रही थी मैं कोई पेंडन नहीं हूँ। दुनिया में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट पाए जाते हैं जो एक पेंडू को ये लुक भी दे सकते हैं ना। कुछ आपकी ना वीडियोज ना गंदी गंदे आपने सवाल करती हैं, तो आपका ये गंदा दिमाग कहाँ से आया? अस्तगफुरुल्लाह, मैं अच्छे सवाल करती हूँ, असल में देखने वालों का दिमाग गंदा है। अच्छा, देखने वाले गंदे हैं? देखने वाले गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, कोई पॉजिटिव नहीं सोचता, हर बंदा गंदा है। उसकी वजह पता है क्या? गंद उनके दिमाग में खुद का भरा हुआ और आके मुझे गंदा कहने। मैं अगर गंदी होती अब तक मैं बहन ना हो चुकी होती। ऐसी ऐसी ऐसे बहन ना हो चुकी, मतलब कि बहन 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 नहीं, मुझे लगा बहन। नो नो नो, बहन बून। ओके, नहीं बहन, आप मुझे बहन कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, आप मुझे बहन कह सकते हैं प्यारे भैया जी? वैसे एहो जे तो भरा भी नहीं होना चाहिए, बिस्ती हो जाती है। प्लीज आप एहो जे तो नाल मैं मंगन वाला ना खिलारा। मेरे साथ भी वो ना गंदे गंदे सवाल करेंगे, मुझे बड़ा मजा आएगा। प्लीज गंदे गंदे सवाल, वो केड़ी चीज है जेड़ी अंदर पाओ तो लाल हुंदी ते बाहर कड़ो ते हरी हुंदी है, उस तरह दे? हाँ, उस तरह के सवाल? हाँ, हाँ। मुझे गंदे सवाल नहीं आते, नहीं आते मुझे, बताए जाते हैं। पीछे से वाइब्स आ रही होती है ना, पीछे कैसा बंदा खड़ा होता है जो एंड टाइम पे ना मुझे सवाल बताता, माइक पकड़ा के कहेगा ये वाला सवाल है, जल्दी याद करके बोल दे। कुछ लोग शक करते हैं कि आपका, आप किसी स्टेज आर्टिस्ट की बेटी हैं, बात ठीक है? अल्लाह, खेड़ा बंदा कर रहा, मेरे पूरे खानदान च कोई शोबिस नहीं है। नहीं है? नहीं है, मतलब के सब ऐसे वाले हैं, मतलब उनके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। घर वालों को आपको पता है जो आप काम करते हैं? पता नहीं था, चोरी शुरू किया सी ते पता चल गया, जदों उन्होंने पता चलिया ते फिर इटी मार। मतलब कि गल है कि अब्बा ने इजाजत दे दी, अम्मा ने नहीं दी, तो अम्मा के साथ फिर इस वजह से तो अम्मा को बाहर निकाल दिया घर से? अम्मा ने हमें निकाल दिया अब्बा समेत। अच्छा, यानी आप सबको निकाल दिया? का ये कंजर खाना आप साइड पे जाके कर लो। कद आपका मैंने नोट के काफी छोटा है। अच्छा, आप भी तो टेडी बकरे से कम नहीं लगते, अपना कद देखा? तो आप हील क्यों नहीं पहनती? हील जो तो औरतें पहनती हैं, जिस तरह देखो हील वो औरतें पहनती हैं जो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। अच्छा, हाँ, जैसे आपने पहनी हुई है। जी जी जी, तो मतलब ये वाली जो हील है ना, ये वो हील नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वो वाली हील है जो आप जैसे लोगों के सर में मारने के लिए। ये मैं इसलिए पहन के आई हूँ कि कहीं भी कुछ सीन चल गया ना तो हील से आपका सर फोड़ूंगी मैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा, मैं ना आपकी वीडियो से बड़ा ना अट्रैक्ट होता हूँ, ठीक है? अट्रैक्ट। हाँ हाँ, तो आपको नहीं लगता जैसे आप ना ये ना अपने मुआशरे को थोड़ा खराब कर रही हैं, फील होता है कभी कभार? कभी कभी मुझे ये फील होता है कि मुआशरे के लोग खराब है, मुझे आज पता चला है। मतलब क्यों, मैं तो पॉजिटिवली क्वेश्चन कर रही होती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों का माइंड कितना पॉजिटिव है, ये मुझे अंदाज़ा हुआ अपने शो से। गंदा यानी? मतलब कि लोग की बहुत सोच गंदी, बहुत गंदी बहुत कि गंदी। कोई अच्छा भी चल रहा है ना, उसने वो भी कहना कि नहीं नहीं फलानी बेचारी पता नहीं सब्जी लैन गई, भरा घर नहीं है, पता नहीं उनका बुरखा गवाच गया या धोन वाला मशीन च पिया, वो पता नहीं किवें निकल गई, इदा कि कर दी कुर दी, कहेंगे यार नू मिलन गई है वो बेचारी ने उबर करा ली है, तो महल वाले ऐदा वेखते पता नहीं डेट मारन गई है, है कौन है? मतलब कि इन्ना गंदा दिन, स्कैंडलबाज लोग, मैं तो तंग आ गई। मतलब बेचारी अगर एक लड़की पैंट शर्ट पहन के जा रही है ना, वो बेचारी पता नहीं कैवें लंडे तो खरीद खरूद के ले आई है, उनकी मजबूरी कैवें पा ली है, वो एक मजबूरी के तहत वेखना लगेगा मुंडे पसान चलती है, लड़की बेचारी दी उबर नहीं आ रही, तो मुंडा यह सोचेगा ऐ लगता है कोई मुंडा ताड़ रही है, इंदा जान दा कितने होर ही रादा है, हालांकि बेचारी उबर दा वेट कर रही होएगी ना, मजबूर होएगी, लेट हो गया है या उन्हें अगली राइड ट्रांसफर कर देती होएगी ना, समझ रहे हो? लोग गंदे हैं ना। मैंने नोट किया कितना ज्यादा बोलती है ना, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, पता है उसकी वजह क्या? चुप भी कर जाएगा। देखिए, मैं अगर चुप हो गई तो आप शुरू हो जाएंगे, हमेशा आप बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आप
टिकटॉक पे भी, तो आप टिकटॉक पे भी यही चवलियां मारती हैं, कोई बेहतर काम भी करती हैं? आपको डांस आता है करना? मुझे डांस करना आता नहीं है, पर मैं कर सकती हूँ अगर चाहूँ तो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, आपको लैला वाला गाना ठीक है, पुराना वाला ज़्यादा पसंद है या फिर सनी लियोनी वाला ज़्यादा पसंद है? सनी लियोन वाला ज़्यादा पसंद है। है ना, आपको मुझे पता है सनी लियोनी के बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में अच्छा ख्याल है, वो इतनी बुरी भी नहीं है। है ना? हाँ ठीक है, वो जैसे चल रही है वो ठीक है, उनके लिए ठीक है जो उसे पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उसकी। यस, एक्टिंग बहुत अच्छी है करती है। एक्टिंग बहुत अच्छी है उसकी। यस, ड्रेसिंग भी अच्छी है, एक्टिंग भी अच्छी है, खुद भी अच्छी है, परफेक्ट है वो। अच्छा मुझे बताएं आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है, कैसे आपका वो होगा, आपका जो ड्रीम बॉय कैसा होना चाहिए, वो कितना प्यारा होना चाहिए, कितना हंसमुख होना चाहिए, और उसके बाद गाड़ी कौन सी होनी चाहिए? गाड़ी गुड़ी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस रन मुरीद हो, जी 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 लैला लैला करे, प्यारा हो क्यूट हो, गाड़ी में से खुद ही ले दूंगी। पक्की बात है? हाँ, ऐसे तो काफी मिल जाएंगे। हाँ काफी मिल जाएंगे, इज्जत करने वाला हो ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट पहले है ना, चाहे पवे खोती रेड़ी ते आइए साइकिल ते मेनू आप बिठा दांगे। अगर शेख हो तो कोई मसला तो नहीं है? शेख बड़े कंजूस होंगे आ, मैंने तो कोई मसला नहीं। खर्चे तो आपने करना ना सारा। हाँ वही तो, शेख भी चल जाएगा। चल जाएगा, चल जाएगा, पक्की बात है, पक्की बात है। फिर मैं हाँ समझू? नहीं आप हाँ ही समझे। ठीक है ठीक है, चल गया शेख। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे मैं नहीं मानता ठीक है। अच्छा ना माने? मैं नहीं मानता कि आपने कोई ना कोई बकरा नहीं फसाया होगा। तो मुझे बताएं कितने कितने ऐसे मुंडे फंसाए हुए, सही से बताएं? कोई भी नहीं। नहीं मैं नहीं मानता, मान ही नहीं सकता। नहीं है कोई, खुद ही फंस जाते हैं, फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं मैं भाई बनाए हुए हैं। अच्छा दोस्त हैं पर मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ। नहीं नहीं वो हेल्प हो जाती है कभी कोई पिक एंड ड्रॉप, नया फोन लेने की, आईफोन की, ये नया फोन अभी तो नहीं आ जाता। मैं अपने पैसों से लेती हूँ। अरे उसके पैसे अपने पैसे हुए ना? उसके पैसे मैं आज तक किसी लड़के को नहीं खाया, किसी लड़के से मैं कोई गिफ्ट नहीं लिए, मैं अपनी जात के लिए गाली समझती हूँ। ये आप झूठ बोल रही हैं? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। आजकल कर रही हैं, काफी कर रही हैं ऐसे। पर मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मैं नहीं कर रही, मतलब मुझ में लालच नाम की चीज ही नहीं है। चलिए जितने आप मुश्किल सवाल लोगों से पूछते हैं ठीक है, मैं आप शो करना चाह रही होती ना कि आप कितनी अक्लमंद हैं और लोग कितने बेवकूफ हैं ठीक है, और मैं भी कुछ सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ ठीक है, आपको आते हैं कि नहीं ठीक है, आपने बताने हैं, और अच्छा दिमाग रख के ठीक है, गंदा दिमाग नहीं सोचना आप ठीक है, अच्छा साफ दिमाग। ओके ठीक है। अच्छा मुझे बताएं 18 साल के होकर ठीक है, बंदा या बंदी को इजाजत क्यों मिलती है, उससे पहले क्यों नहीं मिलती? किस चीज की? शादी की? किसी भी चीज की। तब तक वो समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, इस वजह से है, क्योंकि जैसे ना आईडी कार्ड ठीक है, आईडी कार्ड भी 18 साल से पहले नहीं बनता। हाँ ठीक है, वोट भी 18 साल से पहले। उसकी वजह ये है ना कि लोग को हर चीज की इजाजत अगर दे दी जाए तो वो कुछ भी गलत कर सकते हैं। हाँ। तो वालदैन को ये मतलब मेरा ख्याल है कि अलर्ट किया जाता है कि बच्चे पे जुल्म ना किया जाए। अच्छा। मतलब कि एक छोटी ही उम्र में उसे कहीं काम पे ना फेंक दिया जाए। आपकी तरह जैसे आपको फेंका है, बस ऐसे ही समझ लें है ना, ये जुल्म है। अभी आप 18 की भी नहीं हुई होंगी है ना? नहीं नहीं अभी मैं 18 की नहीं हुई, मैं 14.5 साल की हूँ। आए ठीक है चलें मान लिए, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा मुझे बताएं वो कौन सा बॉडी पार्ट है जिसके ऊपर भी बाल है और नीचे भी बाल? ये है ना पलके, आंख। यस, आंख के ऊपर भी बाल नीचे भी बाल है। ये आप अकलमंद है, मुझे नहीं ये तो पता था है ना? माइनी और यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मैं ऑडियंस को भी कह रही हूँ मैं गलत नहीं होती, मैं तब भी पॉजिटिव कर रही होती हूँ। मेरे जहन में कुछ ऐसा नहीं होता पर लोगों के जहन में होता है और लोग खुद साबित कर रहे हैं हम कितने गंदे जहनियत के मालिक हैं। खैर अच्छा मुझे बस ब्रेक लगा लो। की लॉलीपॉप जो होता है ठीक है, बच्चा खाए ठीक है, कोई मसला नहीं होता, कोई बड़ा बंदा या बंदी खा रही हो तो लोग अच्छा नहीं समझते, क्या वजह? उसकी वजह मेरा ख्याल है वही गंदा दिमाग है लोगों का।
और कोई वजह नहीं, मैं तो खा लेती भाई, मन हो तो आप जो दिल कर खाते नहीं है ना, खाते नहीं, दिमाग गंदा है ना, तो इस वजह से। क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर खवातीन छत पे जाकर कपड़े क्यों उतारती हैं, क्या वजह? क्योंकि खुश्क हो जाते हैं ना। हाँ हाँ, क्योंकि उन्हें छत पे ना सुखाने कपड़े ज्यादा आसान होते हैं। हाँ, तो खवातीन इसलिए जाती हैं कि मर्द ना अपनी इंसल्ट समझते हैं कि ये तो रन मुरीद है, तो ये मर्दों की इस गैरत की वजह से औरतें बेचारी बदनाम है के पूंडी करन जाती हैं। यस यस, अपनी इज्जत रखते रखते ना अपने घर वालों की इज्जत खराब कर लें औरतों की। इनको तो नहीं ऐसा करना चाहिए ना, छत वाला काम तो खुद कर लो, पर वो ऐसा सोचते ने पता नहीं सामने छत वाला समझे गए इनकी घर कोई इज्जत नहीं, धोते भी इन्हें ही ने। अच्छा मुझे बताऊँ वो क्या चीज़ है, ठीक है, जो कि जवानी में तो बहुत आसानी से की जा सकती है मगर बुढ़ापे में स्टैमिना कम हो जाता है। जोड़ जोड़ लूज हो जाते मेरा ख्याल। नहीं नहीं, जॉगिंग और एक्सरसाइज ये है। हाँ हाँ, बुढ़ापे में वो ज्यादा करते हैं एक्सरसाइज मगर ना ज्यादा देर नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, यंग में ज्यादा देर कर सकते हैं मगर बुढ़ापे में ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, ये नहीं पता था ना आपको? नहीं ये नहीं था पता। अच्छा मुझे बताओ वो क्या चीज है जो एक बार खुल जाए तो बंद नहीं हो सकती। खुल जाए तो बंद नहीं हो सकती, सवाल तो रोलदा ही फिरदा हुंदा सोशल मीडिया ते, पर मैं इहदा कदे सर्च नहीं कीता है ना, बहुत रुलता है ये। यस यस, रुलदियां हुई चीजां क्यों तुसी चुक है ना, है ना। मैं चारू आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? मैं इसके बारे में यही सोचती हूँ के अंडा अंडा कहने ही वाली थी अंडा, मैं अंडा देखा, अंडा मैंने कह दिया ना, अंडा मैंने हर दफा ही अंडा खोल जाए वो दोबारा नहीं बंद होता। चले अंडे के अलावा और भी चीजें हैं, अखरोट भी है, काफी सारी चीजें हैं, अंडा ही क्यों? यस यस, अखरोट भी हो सकता है, अंडा ही क्यों? वो भी हो सकती है जो अखरोट की तरह की होती है छोटी वाली, क्या कहते हैं, बादाम, बादाम और एक और भी चीज होती है, वो क्या होती है? हाँ, खुरमानी की गिटक। नहीं नहीं, गिटक भी एक और भी चीज होती है, उसको क्या कहते हैं, छोटी सी होती है, उसके अंदर से कभी कभार दो भी निकलते हैं, कभी कभार तीन भी निकलते हैं, मूंगफली। अच्छा, मूंगफली। सर्दी होती ना, मैंने इसका जवाब दे दिया। यस 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 यस। अच्छा, कमजोरी कैसे दूर की जा सकती? कमजोरी मेरे ख्याल से ना घर में ना बैठे पड़े रहें, बाहर जाए इंजॉय करें, और अगर बहुत ही ज्यादा कमजोरी होगी तो टिकटॉक शुरू कर दें। ये भी हो सकता है, वीडियो बनाया खुद को ज्यादा से ज्यादा ना कैमरे में ला के देखा करें, खुद को देख के सबसे ज्यादा खुशी होती है। ठीक, अच्छा एक सेगमेंट खेलते हैं, ठीक है? हाँ। उसका नाम है क्या लड़कियां ये भी करती हैं सेगमेंट, ठीक है? आप लड़कियां ना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं खुश रहा, मतलब की ताड़ा, मतलब तुसी की वाम नु दसना चाह रहे हो? नहीं मैं की कार्टून ना कोई, नहीं नहीं, वैसे कह रहा हूं आज खातून मेरे शो में आ गई हैं। मैं खातून नहीं हूं भाई, बेबी डॉल बोलो मुझे, लड़की है। मैं कहां से खातून लग रही हूं? खातूनें पता है कौन सी होती हैं जो एक आला दर्जे पे पहुंच चुकी हूं, मतलब के खातून थी गुजर गई। ठीक है ठीक है, लड़की नहीं, बेबी डॉल बोलो, बेबी कटिंग भी कराया हुआ है, बेबी डॉल में सोने दी नहीं, शॉपर दी। ठीक है, एक मिनट, ये शॉपर शुपर क्या लगा रखा है? अच्छा नहीं, खुद का नहीं पता, कागज तो कागज, शॉपर तो फिर भी गीला होने के बाद चल जाता है, किसी भी काम आ जाता है, कागज की औकात पता है क्या है? क्या है? वो गीला होते ही जाया हो जाता है, तेरे जैसी चीजें जाया होने वाली है। चले तो कागज के आदमी कोई अच्छी बात पूछो। सेगमेंट है, ठीक है, इसका नाम है क्या लड़कियां भी ये करती हैं सेगमेंट, ठीक है जी। अच्छा मुझे बताए क्या लड़कियां पूंडी करती हैं लड़कों की तरह के? नहीं, लड़कों की तरह जिस तरह हम लोग पूंडी पे निकलते हैं, ठीक है, आप लोग भी पूंडी क्यों कह रहे हो? पूंडी को पोनी की तरह मूंछा पत्ती वाली पोनी वर्गा स्टाइलिश पूंडी बोल रहा ना, स्टाइलिश ताड़ा ते आड़ी जानदा है। पूंडी बताएं करती हैं खवातीन? मैं तो करती करती हैं वैसे, फिर खवातीन बेबी डॉल, बेबी डॉल्स जो हैं, हां मैं कटिंग देखो ना, लड़कियां जो हैं मार्केट जाती हैं पूंडी करने, बॉयज को उसी तरह ताड़ती हैं जिस तरह ये हम ताड़ते हैं। मेरा नहीं ख्याल लड़कों में क्या ऐसा कि लड़कियां पूंडी करें। अच्छा नहीं करती पूंडी? नहीं नहीं नहीं, लड़कियों के बाजू थकते हैं जितना लड़कों के थकते हैं। बाजू का क्या तल्लक है इस चीज से? नहीं नहीं, वो जब माइक
पकड़ते हैं जैसे आप। हाँ मेरे बाजू थक जाता है, थक जाता है। उसकी वजह पता है क्या है? क्या वजह? कि लड़की एक नाजुक कली जैसी होती है, उसको इतना भारा लोगो वाला अगर माइक पकड़ा दिया जाएगा तो थक ही जाएगी ना। इतनी जल्दी क्यों थक जाती हैं आप? इस वजह से कि नाजुक लड़कियां होती हैं ना जो फूलों की तरह कलियों, वो थक जाती। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं वो नाजुक नहीं होती, उनके हाथ ऐसे होते हैं मर्दाना टाइप। ठीक है, तो इतने नाजुक हैं। जिम नहीं करती होंगी ना? जिम नहीं मैं करती। हाँ, अच्छा एक ना असिस्टेंट रख लें माइक पकड़ने के लिए सिर्फ। ठीक है तो तुसी आओ ना, टाइम काट के अंदर क्यों नहीं साथ है ना वो। हाँ, साथ वो माइक पकड़ लेगा। वैसे तुसी इस काबिल नहीं मैं तानू असिस्टेंट रखा। हां जी, वाम जड़ी मेनू इंटरव्यू देन आंदी उन्होंने भी टर जाना, उन्होंने कहना यार इनियां ब्रेकां ब्रुकां सही कराओ, पहले इन्हें सीधा करो। अच्छा मुझे बता, लड़कियों की भी ख्वाहिश होती है कि उनका बड़ा हो के नहीं? बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूं, पैसे बहुत ज्यादा, बहुत एंड लेवल तक। लड़कियां जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, वो सोचती हैं, ज़्यादातर लड़की ये सोचती हैं कि अगले बंदे का बड़ा बैंक बैलेंस हो तो उसको मैं लूट लूँ ना। यस यस। पर मैं सोचती हूँ नहीं, मेरा खुद का अपना अच्छा बैंक बैलेंस हो तो लूटने छूटने में मैं नहीं माहिर हूँ। काफ़ी लड़कियाँ देखी हैं बैंक छूटने पर बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ ये करना। चलें ठीक। अच्छा मुझे बताएं, ख्वातीन का भी लेने का दिल करता है जिस तरह मर्दों का करता है? बदला लेने का? बदला हाँ करता है बहुत ज़्यादा करता है। कि मैं रिवेंज लूँगी आज, बहुत ज़्यादा दिल करता है बदला लेने का। ले भी लेती हैं मेरे जैसी हो ना। यस जो बदला ले। अच्छा मुझे बताएं, ख्वातीन को भी उतनी दर्द होती जितनी मर्द को होती के नहीं जब टीका लगता? नहीं होती। लड़कियां नाजुक होती हैं ना। आपको भी टीका लगा था ना? कोई कब लास्ट टाइम लगा था? आपने नहीं? नहीं मुझे ड्रिप लगी थी। आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? नहीं मैंने। अच्छा अभी आपकी एज का ले नहीं आए, आपकी एज 18 से कम है, अभी उनकी बारी नहीं आई। बिल्कुल। यस यस यस। डीजे बट के एक चैनल पे ठीक है, आप बड़े डिसेंट बन के कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको ये डिसेंसी सूट करती है? ना तो मेरा ख्याल है मुझे सब कुछ सूट करता है, बस मैं खुद को टाइम नहीं दे रही, मैं खुद को ग्रूम नहीं कर रही हूँ। और जिस दिन कर लिया ना उस दिन ये जो लानते भेजते ना, मैं खुद आके ना स्पेशल तुम लोगों को लख दी लानत नहीं कहना, मैं तनु अरब करब वाली लानत पाऊंगा खरीद के। इन्हीं से तो आपको व्यूज मिलते हैं, तो इन्हीं को ही तो लानत भेजूंगी ना। ठीक है ठीक है। क्या नहीं मैं लखा करोड़ों वाली बना के एक लानत पे। आपको कभी डिज्नी चैनल से नहीं ऑफर हुई किसी कार्टून के? हाँ वो ना मुझे ऑफर हुआ ही नहीं, पर मैंने कोशिश तो किया था कि मुझे ऑफर हो जाए। असल में ना लोगों को बताया मेरे अंदर एक काका का फिट है, तो वो जिस दिन उनको पता चलेगा ना वो मुझे खुद ही बुला लेंगे है ना मुझे, तो मैं ना चिल्ला जाऊँगी। मुझे था शक। एक चीज़ मैंने नोट किया ठीक है, जब आप हंसती हैं मुस्कुराती हैं ठीक है, आपके 30 के 30 दांत दिखाई देते हैं। मेरे ना 30 नहीं है, मेरे 32 दांत है, 2 दाढ़ी अभी उग रही हैं। नहीं वो अकल दाढ़ है ना, वो अभी नहीं आई आप में। पर वो मैं अगर जूम करना चाहे तो मैं दिखा सकती हूँ, इतू इतू सी दोनों साइड से आ चुकी है। अच्छा थोड़ी सी अकल आई है, थोड़ी सी। जी जी मुझे ये डर है तेरा मुंह देखने तो बाद जड़ी थोड़ी सी आई है ना जाते जाते मुक ना जाए। एक मुझे बताए, लड़की रातों रात अमीर होना चाहती कैसे हो सकती है? हाँ रातों रात अमीर होने का एक ही जरिया, वो रातों रात सेटिंग करे ठीक है, रातों रात डिसाइड कर ले सुबह हमारा निकाह, अमीर बंदे से चीजें जदाते ना लगवाए, सुबह सुबह निकाह पढ़वा ले अमीर हो जाएगी रातों रात। हाँ, नहीं वो सुबह का वेट करने की जरूरत है, रात रात को ही हो जाएगा शादी। यस यस यस, रात को ही कर शादी करके सबसे बेहतर। पहली अजान से पहले पहले अपनी अजान करवा ले। ये सस्ती शोहरत और महंगी शोहरत में क्या फर्क? सस्ती शोहरत वो होती है जिसमें आप मुझे ऐड कर लें, वो कहते हैं आप बड़ी वो हो, सस्ती औरत नहीं हो शोहरत हो, वैसे कहा तो नहीं किसी ने, मतलब मैं अब आपको बताऊं क्या होती है सस्ती औरत शोहरत,
होती है जो आप सब कुछ कर जाओ ना फेम के लिए, सब कुछ कुछ भी, आपको कोई इज्जत का ख्याल नहीं, कुछ भी अपनी वीडियोस तक लीक कर दो, खुद ही अपने स्कैंडल बना लो, जैसे आजकल टिकटॉकर्स कर रहे हैं, और इस पे मैं शॉर्ट फिल्म बना रही हूँ, और इंशाल्लाह कुछ ही दिन में वो आएगी, और उसमें मैं खुद हूँ जो वो वीडियो लीक करके फेम लेते हैं ना, उस पे हम एक शॉर्ट फिल्म बना, ठीक है ठीक है, यानी आप अपनी ही वीडियो लीक करके अपनी वीडियो रिलीज करेंगे, रिलीज करने वाली, एग्जैक्ट, और सब देखेंगे, देख लेना आप भी देखेंगे, यस यस यस। खवातीन वैसे ना जुगते मारती अच्छी नहीं लगती। अच्छा हाँ तो क्या वजह है? नहीं औरतां नु जुतियां मारन, मतलब की तुसी चांदे हो शापर च बांटे पा के ताडे मुंह ते मारन फिर चंगे रहोगे? नहीं परात मिट्टी दी भर के ओ ताडे मुंह ते मारन की चांदे हो की शापर शूपर वेले मारन? नहीं वो 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 अच्छी नहीं लगती उनके मुंह से ना फूल सिंगर भी आपको गाना भी गाना आता है थोड़ा सा सुना है मैं भी चाह रहा हूँ मेरे सर में दर्द हो सर में दर्द हो आप मेरी लाइफ बिस्ती करवाना चाह रहे हो चले गाना गा लें प्लीज मुझे डोरेमोन गाना आता है मुझे नोबिता गाना आता है गा दे गाना गा दूं गा दे ठीक है जिंदगी का रास तुम एक नई बहार तुम दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमककार हूँ मैं किसी का सपना हूँ जो हो चुका हूँ आज सच अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ आसमां को छू लूँ तितली बन उड़ूँ हे ऐ कुफ्ता हा 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 मैं हूँ एक प्यारा रोबोट डोरे मोन नहीं ठीक है ठीक है ठीक है अब गाना सुनना है एक चीज मुझे आना है ये बेबी की तरह बच्चों की तरह एक्ट करके और बात करके ना बंदा इतनी वो नहीं शो कर सकता कि यार मैं बच्ची हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता देखो मैं चाह रही हूँ बच्चों बच्चों तक ये शो जाए वो वाला शो और आप एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ऊपर से आप मुझे बातें सुना रहे हैं आपका शो बच्चे देख ही नहीं सकते देखेंगे नहीं आपका कोई भी ठीक है कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज बच्चे नहीं देख सकते अच्छा वो उसके ऊपर लिखा होता है 18+ लिखा होता है YouTube पे ना वो खुद ही रिस्ट्रिक्ट लगा देता आपकी वीडियोस पे पता है आपको जी जी मुझे इस बात का आइडिया इसलिए मैंने 18+ रखा खैर बाकी बातें तो चलती रहेंगी मैंने आप खुद 18+ है नहीं ठीक है लो आपके वीडियोस 18+ वाले देखें ये क्या बात है ये एक टैलेंट है जो हर किसी में नहीं पाया जाता और हाँ मैं कोई आम नहीं हूँ ब्रांड हूँ और लैला जट्टी ब्रांड है और कितनी को दफा बताऊँ कि ब्रांड एज नहीं देखते कटिंग आपने कौन से कसाई से कराई है ये ना मेरी आप किस्मत है वो कसाई नहीं है सबसे पहले उनको कसाई को सुई नहीं बोलना वो नाई है नाई नो नाई नो नाई उनका ना परी ब्यूटी सलोन है परियां वो वहाँ पे परियां बनाती है तो वो नाई होते हैं ना नाई नहीं वो परी है वो और उसने मुझे आज परी बनाया है अच्छा ये आप परी बनी है जी जी अगर ये परी है तो फिर परियां लाका छोड़ चुकी हैं जब से मैं परी बनी हूं ना तो देखो परियां ने खुदकुशी कर लिया को पता जाहिर बात है औरत का हुस्न देख सकती है नहीं बर्दाश्त नहीं होता पूरी परियां मर गई परिस्तान तबाह हो गया को पता एक मिनट आप कब्ज का शिकार हैं ये तो सबको ऑडियंस को बताए ना कि आप कब्ज का शिकार हैं आपको कोई हकीम नहीं मिलता जो आपकी ये कब्ज तो तोड़ दे कम से कम इतना जोर लगा देते हो मतलब इतना जोर के फ्लश टूट जाए मतलब मुझे तो समझ नहीं आती बाकी मामलों का ये वो बंदा वॉशरूम के बाहर लिखा हुआ पता है क्या कि यहाँ पे ना पानी की कमी है जो अपना सामान छापर चुपा के ला लेट रखे अच्छा एक चीज में नोट किया आपका नाक बहुत बड़ा है क्या वजह है छोटा बहुत ज्यादा वो उसकी वजह कुछ भी नहीं है आपकी नजर है गाइस ये हर टाइम अपनी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी वो मरी वाली सड़कें वो वाली नाक देखते रहते हैं मतलब कि तानू तो कोई राह भी दसे ना
मतलब के तुसी अपन नाक दी सीट ते जाओ ते तुसी डिंगे डिंगे विंगे विंगे बुलावे लेके उत्थे ही आ जाओगे। मतलब के तानू ते कोई राह भी नहीं दस सकदा, तुसी इस काबिल नहीं हो। मेरे नाक ते जुगतां ला रहे, अपना नाक तुसी देखिया किड्डा पड़ोले वरगा, हद हो गई। वैसे एक चीज मैं नोट करूं, हाँ जी, किसी किसी अगर बदकिस्मत की आपके साथ अगर शादी होगी उस बेचारे का क्या बनेगा? वो ना मेरे टोंड सुन सुन के ना आधा फौत हो जाएगा, ठीक है। और मैं ऐसी हूँ भाई, मैं तो भाई सुनाती हूँ, बहुत सुनाती हूँ। तो अगर मेरे साथ किसी ने शादी करनी हो तो ये वाली चीज़ तो उसे कंट्रोल करनी पड़ेगी और लाजमी, मतलब मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसे सही वाला बर्दाश्त कहते हैं। बाकी उसे हर तरह की खुशी दूंगी मैं, ये वाली खुशी नहीं दूंगी मैं। किसी ने अगर शादी करनी हो तो वो किससे कॉन्टेक्ट करें? वो ना इंस्टा पे वार्ता करें। मैनेजर वगैरह नहीं कोई रखा हुआ? मैनेजर मैं रख लूंगी आपको। फर्ज करें मैं आपको अगर प्रपोज करूंगा तो आप फौरन हाँ कर देंगे? मैं फौरन हाँ करके खुदकुशी कर लूंगी। मैं भी फर्ज करें कि आप मुझे कह देते हैं तो मैं खुश, इतनी खुश होंगी कि मैं ना केटू के चोटी से छलांग लगा दूंगी। यानी आप खुशी कर लेंगे? खुशी, खुद खुशी नहीं, खुशी खुशी कर लेंगे, खुशी कर लूंगी। मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी नाक वाली सेलिब्रिटी, मतलब कि कौन नहीं जानता इस नुक्कर को। ठीक है, हर बंदा इंडस्ट्री का हर बंदा इस टेढ़ी नाक से वाकिफ है। ठीक है, तो मुझे फर्ज करें, मुझे फिर रिश्ता आपके अम्मी अबू घर लेकर जाना पड़ेगा या डायरेक्ट आपसे बात करें? मेरा ख्याल है आप खोती रेडी करवा के भेज दीजिएगा, आपको भी आने की जरूरत नहीं है, आपसे बेहतर खोता आ जाए। अच्छा, आपसे बेहतर वो आ जाए। खोते को हाँ कर देंगी? मैं खोते को हाँ कर दूंगी। अच्छा, खोते को यानी आप इतनी डेस्परेट होगी कोई आ जाए बस हाँ कर दूंगी, हाँ कर दूंगी, हाँ कर जाए बस। यानी अभी तक कोई रिश्ता नहीं है, किसी ने आपको प्रपोज नहीं किया आज तक? क्यों करे, मतलब मुझे कोई प्रपोज करके अपनी खल उतरवानी है? लोग डरते हैं। और क्यों डरते हैं? अच्छा, देखो खोते ढेर किस्म के होते हैं, हर तरह के होते हैं, मतलब क्यों वो डरे? आपने पता सबसे ढीठ मखलूक खोतों की पाई गई है दुनिया में? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने खोतों मतलब इतना रिसर्च नहीं किया। जितना मर्जी मतलब कोट लगाओ, लालो लाल कर दो, चमड़ी उधेड़ दो, कुछ भी कर दो, उसकी खाल उतार दो, वो खोता इतना ढीठ है, उसको जहां लेके जाओगे उसने वहीं चले जाना। मैं इतना नहीं जानता खोतों के बारे में। आपने तो आप क्यों नहीं शीशा देखते रोज उठ के? आपने तो पूरा पीएचडी किया हुआ खोतों पे। जाहिर बात है मैंने अभी अभी कर लिया। रिश्तेदार है आपके कोई? क्या? हाँ रिश्तेदारी, दोस्ती यारी? नहीं नहीं, रिश्तेदारी की बात चलाने में मसरूफ है मेरे सामने। चले चले शो प्लीज, बस ठीक है, थैंक थैंक। हम थोड़ा सा और ना कर ले? नहीं प्लीज बस, आपको ये फील होता है ना मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? हाँ, एक्टिंग के साथ साथ इनको जो मसला है वो भी है। मुझे वैसे वो भी है, मुझे भी वैसे फील होता था ये जो आपका बोलने का स्टाइल है ना, आप एक्टिंग कर रही हैं। अच्छा ये हम आप सबको इंटरटेन करने के लिए करते हैं, तो इस तरह ना किया करें कि ये चंगड़ी है और ये पेंडन है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम चंगड़ी चुड़ैल या पेंडी प्लीज ना कहा करें, ठीक है? हाँ हाँ, जाहिल भी ना कहा करें। हाँ, जाहिल लानत बिल्कुल ना भेजा करें। आपको पता है अल्लाह को पसंद नहीं है हम किसी पर लानत भेजते हैं तो उल्टा आपको पड़ती होगी तो आपको फरिश्ते भेजते हैं तो आपको लानते पड़ी हो, मुंह काला हुआ हो तो आपको अच्छा लगेगा? मैं लानत के काबिल ही नहीं हूँ, और आप लोग तो हो ना, आपको वापस फरिश्ते डालते। लख दी लानत भी नहीं कहना इन्हें, दुर्फिटे मुंह भी नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, और इन्हें कुछ भी नहीं कहना। डॉल कहना मुझे? हाँ, इन्हें डॉल के, और जो कहना है मैं ही नहीं कहूंगा, ठीक है? आप ना कुछ कहें, मेरा हक हो गया, ठीक है? हक मतलब की? मतलब की आप मेरी फ्रेंड हो गई है ना? अच्छा अच्छा, ओके डन हो गया, ठीक है ठीक है। चले वैसे चाह तो नहीं रही थी, ताडे वर्गे दोस्त होन ते बंदा वेली जेब नाली घूमदा रहंदा, तुसी एक रुपया ना छड्डो मेरी जेब। चले चले एंड पे ना। ओके गाइस, आपको जैसे कि पता है कि सबसे पहले के ये खोते नहीं है, ये बहुत ही अच्छे खोते होते हैं। खोते बड़े प्यारे होते हैं, काम आते हैं, बोझ उठाते हैं, बड़े प्यारे होते हैं ना। तो गाइस आपने ना इनका चैनल सब्सक्राइब करना है, और जिस तरह से मेरी हर वीडियो शेयर करते हैं ना, पूरी दुनिया में वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, अगर आप मेरे फैंस हो ना तो फिर तो आपने लाजमी करना, और इनके फैन हो ना अगर इनके
तो फिर और भी लाजमी करना है आपको ना, लोग ना बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ हमारी वीडियो ना दुनिया के हर कोने में जाए, तो सबसे ज़्यादा मैं चाह रही हूँ मेरे शो से भी ज़्यादा ये वाला शो चलना चाहिए, ये वाला नहीं वो वाला शो। तो सब ने ना चैनल को सब्सक्राइब करना और कैसा लगा ये भी बताना, और हमारी तो लव स्टोरी जो चल रही है उस पर भी कमेंट्स कर दीजिएगा ना, इसको आगे भी बढ़ाएंगे हम। नहीं नहीं मैं अफेयर नहीं अभी चलाना चाह रहा, अभी मैंने बड़े काम करने। नहीं नहीं फेक स्टोरी। अच्छा अच्छा फेक स्टोरी, ठीक है ठीक है। MYK चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, और साथ साथ में वो घंटा है ना जो, उसको दबाने के बाद आपने कमेंट में बताना है कि ये कितने प्यारे, इनकी नाक कितनी प्यारी है, इनके हॉर्न कितने प्यारे, इनके दांत कितने नकीले हैं, इतने नकीले तो पहाड़ भी नहीं होते जितने नकीले इनके दांत है, मतलब कि ये तो खोते कभी कच्चा चबा के खा सकते हैं। अच्छा मैं अभी इधर शो एंड करना चाहूँगा, मगर मुझे प्लीज़ अपना असली नाम बता दें, क्योंकि मैं वो ये भी जानना चाह रहा हूँ, पता ही नहीं लगा मुझे असली नाम क्या आपका। मेरा असल नाम है हुज़ैफ़ा राजपूत। ओके, यानी ये राजपूत है और ये जटों को बदनाम कर रही हैं। जो मर्जी समझिए भाई। हज़ीन मुझे शेख कासिम को और जो आज मेरी गेस्ट आई हैं हुज़ैफ़ा राजपूत, जिनका नाम लैला जट्टी के नाम से लोग इसे इन्हें छेड़ते हैं और प्यार से मुझे हुज़ी कहते हैं, इन्हें झुकते लगाते हैं, और मुझे इजाज़त दीजिए MYK की तरफ से और मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।